हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल की स्टोरी और ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मूड पे पहुंच चुका है। लेकिन गाइस, अब गोकुल धाम वालों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी मुसीबत। जी हां दोस्तों, क्या आखिरकार गणपति बप्पा को इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में कैसे लेके आए, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर भर चुका है बहुत सारा पानी, जिसमें गोकुल धाम वालों को चलना भी मुश्किल है। तो आखिर ऐसी कंडीशन में गणपति बप्पा को लेके कैसे आएंगे? और इस समय जो सबसे ज्यादा चिंता में वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्योंकि गोकुल धाम में वही एक ऐसे मेंबर हैं जो कि इन सब बातों को अपने रात में देखे हुए सपने से जुड़ रहे हैं। यानी गणपति बप्पा ने जो बात बोली वो बात अब सच होने वाली है। लेकिन भाई सब, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें आ रही हैं। कई लोगों का ये मानना है कि इस समय भी आत्माराम भिड़े सपना ही देख रहा है। यानी यहाँ पर सभी लोग अपने अपने लॉजिक लगा रहे हैं कि आखिरकार गोकुल धाम के कंपाउंड में बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन जो गोकुल धाम में आने जाने का रास्ता है उसमें इतना सारा पानी भरा हुआ है। तो ये सब कुछ और नहीं बल्कि आत्माराम भिड़े का एक सपना है। यानी कि आत्माराम भिड़े दोबारा से एक सपना देख रहा है। लेकिन गाइस, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि ये आत्माराम भिड़े का कोई सपना नहीं है बल्कि एक सच है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस समय गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बप्पा आएंगे, और इस गणपति बप्पा को लाने वाला कोई और नहीं, हमारे नए डॉक्टर हाथी। गाइस, गणपति बप्पा और नए डॉक्टर हाथी की एंट्री एक साथ ही इस शो में होने वाली है। गाइस, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डॉक्टर हाथी है जो कि गणपति पप्पा को गोकुल धाम सोसाइटी में लाने वाले हैं। सो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो गाइस, वीडियो के बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।